गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और वही रूटीन अपना पहुंच गया स्टेडियम में। और मैं क्या देख रहा हूँ, सिर्फ एक आदमी आया हुआ स्टेडियम में, सिर्फ एक। संडे तो कल था, छुट्टी लोगों ने आज मना ली है। सुबह सुबह 4-5 लेडीज तो आती ही थी, और आज सिर्फ एक आदमी मेरे को दिखाई दे रहा है। पूरा स्टेडियम खाली पड़ा है। देखो, एक बैठा है, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो दूसरा बंदा हूँ वो मैं हूँ। मैं भी आज छुट्टी करने की सोच रहा था, क्योंकि कल मैंने काफ़ी ज़्यादा कर ली थी। आपने वो लोग देखा ही होगा शायद, अब तक तो नहीं देखा होगा क्योंकि अभी तो 5 बजे, अभी तक तो लाइव ही नहीं हुआ। 7 बजे के आसपास आएगा अपने वो लोग। और चलो मैं जाएंगे, कुछ हल्का फुल्का करके आएंगे, कम से कम स्ट्रेचिंग ही करके आ जाएंगे। यार ये तो मैं आश्चर्यचकित हो गया देख के कि सिर्फ एक आदमी स्टेडियम में। दिन पर दिन जो तादाद है स्टेडियम में आने वालों की वो कम हो रही है। और हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। शायद आप लोगों को मिड क्लास सब पता भी लग रहा होगा, सुबह ये हवा चलती है ना, इसमें तो मज़ा आता है, हल्की हल्की लगती है। तो चलो हम भी थोड़ी बहुत ही कर लेते हैं। बहाने मारते रहते हैं जाने के लिए स्कूल में। सीधा चला ले, सीधा चला ले, गिर भी जाऊंगा। और तो अभी रंग फ्लोर में जा रहे थे, तेरे से एक कॉल करके आए थे पीछे से। और हमें क्या चीज दिखी है, रंग कैसी है, रंग एक बार देखो, ये देखो भाई, नंदी जी दिखी है तेरे यार नु। और सबसे बढ़िया बात ये ना, बैटरी वाली है ये, पीछे इसके अंदर बैटरी रखी हुई है, पीछे नंबर प्लेट आ सकती है ना, मस्त चीज। हम बढ़िया ही ले लिया वर्किंग खाते रहे है ना, बैटरी पे इसमें छतरी लगा के वर्किंग कर ले करेंगे। बढ़िया भाई मेरे लिए बढ़िया आया था, नहीं मेरे को उसमें आधी गली में। और ये यहाँ पर बढ़िया भाई, करनाल के अंदर है, मॉडल टाउन है ना, एक नंबर। भाई किस रेट में भाई है, सर नमस्कार, कितने में है सर ये, क्या है? और क्या क्या है सर इसकी बैटरी, कितनी लंबी चलेगी इसकी? इसका 4 घंटे में बैटरी चार्जिंग होती है। हाँ। और लगभग 80-90 किलोमीटर निकाल देती है। और बैटरी लाइफ की सर, बैटरी लाइफ सर कैसी है? बैटरी वही है भाई, जितनी चलेगी उतनी चलेगी, बिजली सी होगी चार्ज। नहीं पूर, ये तो बिल्ट होंगे बुलट वाले। टॉप स्पीड कितनी है सर इसकी? 35-40 स्पीड है। वैसे बाइक वाली बता रहा है यार, वही जो बिजली से उसका चला पेट्रोल था। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो को एंड करते हैं। और आज बिल्कुल भी मूड नहीं था वो लोग करने का, लेकिन बाद में मेरे को वो गड्डी दिखी तो मेरे को बहुत अच्छी लगी वो गड्डी, वो देख के तो मैंने सोचा चलो व्लॉग भी कर ही लेता हूँ। सुबह सुबह थोड़ा किया तो था व्लॉग, लेकिन मैं उसको डालता नहीं अगर आज मेरे को वो गड्डी नहीं दिखती। मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, इलेक्ट्रिकल वैसे थी, लेकिन जो उसका प्राइस बता रहे थे ना वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। 3 लाख रुपये का तो मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं तो देखा था कि ये सिरसा में भी ऐसी गड्डी तैयार होती है, और वहाँ पे इसका प्राइस कोई 1.5 लाख रुपए के आसपास था। कोई वीडियो मैंने देखी थी, उसमें मैंने देखा था इसका जो रेट था वो 1.5 लाख था, ये 3 लाख काफ़ी ज़्यादा बता रहे हैं इसका रेट। लेकिन देखने में मस्त लग रही थी गड्डी, बिल्कुल बहुत अच्छी थी। और 90 किलोमीटर निकालती है एक बार चार्ज होने के बाद, और 4 से 5 घंटे लगते हैं इसको फुल चार्ज होने में।
जो टॉप स्पीड थी वो उसकी कोई 35 और 40 के आसपास थी। बेसिकली वो जो अपनी इलेक्ट्रिकल जो दिखती है ना, हमें क्या बोलते हैं उनको, टुक टुक हम बोलते हैं, जो सवारी होते हैं लोग अपने मार्केट में, वो उससे ही तैयार की हुई थी, वही बैटरी उसके अंदर लगी हुई थी, वही मोटर लगी हुई थी, वो सेम हुई थी। और एक मेरे दिमाग से बिल्कुल भी बात निकल ही नहीं रही सिद्ध मूसे वाली कि कैसा एक आदमी छोड़ के चला जाता है कुछ टाइम के बाद, और लोग भूल भी जाएंगे बहुत जल्दी उसको जल्दी, क्योंकि ये दुनिया है भाई, ये दुनिया बड़ी ही ख़राब चीज़ है। लोग थोड़े दिन के लिए याद रखते हैं, कोई भी अच्छा आदमी हो या कोई भी बुरा आदमी हो, उसके बाद उसको भूल जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को भी एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो भाई नए हैं पहली बार वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जो ज़िंदगी में पाना है उसके लिए हार्डवर्क करते रहो। जय हिंद, जय भारत।